हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके बाई ज्योतिका सुरेडिया। जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए रेगुलर करंट अफेयर्स की वीडियो डालने स्टार्ट की है और अन्य टॉपिक से भी रेगुलर वीडियो डालती रही हूँ। आज मैं आपके लिए विषयों के मोस्ट इम्पोर्ट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई, जिसमें मैं आपको विषयों की ग्रासलैंड या घास स्थल करवाऊंगी, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। और एसएससी के एग्जाम्स में प्रत्येक एग्जाम्स में एक से या दो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रासलैंड, विषयों के प्रमुख घास स्थल या ग्रासलैंड्स। उष्णकटिबंधीय घास मैदान, उष्णकटिबंधीय घास मैदान, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये देखिए दोस्तों, पूर्वी अफ्रीका यह घास का मैदान, पूर्वी अफ्रीका उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, पूर्वी अफ्रीका यह घास का मैदान। देखिए आपका पूर्वी अफ्रीका यह घास का मैदान जंगली जानवरों के लिए जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय ग्रास लैंड में पहला ट्रॉपिकल ग्रास लैंड पूर्वी अफ्रीका में ये पाए जाते हैं, और यह घास का मैदान जंगली जानवरों के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। आगे देखिए, सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान आपका पूर्वी अफ्रीका में भी पाया जाता है। राष्ट्रीय पार्क सेरेनिटी, राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर पूर्वी सवाना घास के मैदान में राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है सेरेनिटी, और जो सेरेनिटी राष्ट्रीय नेशनल पार्क हो तंजानिया में पाया जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा उद्यान, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? सेरेनिटी राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पाया जाता है? यह तंजानिया में पाया जाता है। आगे देखिए, मसाई माना, मसाई माना घास मैदान केन्या में पाया जाता है। लानोस, लानोस घास का मैदान आपके वेनेजुएला में पाया जाता है। कंपास, कंपास घास का मैदान आपका ब्राजील में पाया जाता है, ब्राजील में पाया जाता है, और ब्राजील आपका साउथ अफ्रीका में भी पड़ता है। ग्रैंड चेको, ग्रैंड चेको आपका बोलिविया, ग्रैंड चेको घास का मैदान आपका बोलिविया में पाया जाता है। आगे देखिए, ये थे आपके उष्ण कटिबंधीय घास ग्रास लैंड या ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। सवाना घास का मैदान पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, और इसमें एक नेशनल पार्क है सेरेनिति, और सेरेनिति नेशनल पार्क आपका तंजानिया में पाया जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। मसाई माना केन्या में, विलानोस वेनेजुएला में, पंपास ब्राजील में, ग्रैंड चेको बोलिविया में। और आगे देखिए, शीतोष्ण घास के मैदान या टेम्परेट ग्रास लैंड, टेम्परेट ग्रास लैंड। इसमें फर्स्ट आपका पेरी घास का मैदान, पेरी घास का मैदान नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इसे विश्व की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। शीतोष्ण ग्रास लैंड में सबसे पहले आपका प्रेरी घास का मैदान, और प्रेरी घास का मैदान आप नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है, और इसे विश्व की रोटी का टोको, इसे विश्व की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। आगे देखिए, इसी में है स्टेपिज, स्टेपिज आपका, स्टेपिज आपका मध्य एशिया में पाया जाता है, स्टेपिज मध्य एशिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड्स दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपिज मध्य एशिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, पंपास दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। देखिए एक बार फिर से देखिए, शीतोष्ण घास मैदान, टेम्परेट ग्रास लैंड्स, प्रेरी नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, और इसे रोटी की, और इसे विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। स्टेपिज आपका मध्य एशिया में पाया जाता है, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, और पंपास आपका दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। दो और घास के मैदान प्रमुख, मंचूरिया, मंचूरिया घास का मैदान आपका चाइना में पाया जाता है, और पुस्ताज घास का मैदान आपका हंगरी में पाया जाता है। ये थे दोस्तों आपके विश्व के मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रासलैंड्स या विश्व के घास स्थल। इनमें से एक से दो क्वेश्चन आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।